आज की हमारी पत्रकार वार्ता है, संयुक्त पत्रकार वार्ता है शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी की। सैनिक समाज पार्टी से कर्नल SS पठानिया भी आज उनकी पूरी टीम यहां पर मौजूद है। सबसे पहले तो हम जो कश्मीर के अंदर कोकरनाग के अनंतनाग जिले के अंदर जो सर्वोच्च बलिदान दिया, रजौरी के अंदर जो हमारे जवानों ने शहादत दी, उसको पहले हम अपनी भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए 35 साल एक लंबा समय होता है, लगातार जम्मू कश्मीर आतंकवाद की ज्वाला के अंदर जल रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता लगातार जो है आतंकवाद को झेल रही है। पिछले अगर 4.5 साल का अगर डाटा उठाकर देखें तो 1000 के करीब जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसके अंदर हमारे 200 वीर जवानों ने जो है उनको शहादत देनी पड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवादी घटनाओं का आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 800 आतंकवादियों को भी जहन्नम पहुंचाया है। मगर उसके बावजूद हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ये शहादत कब तक हमारे वीर जवान शहादत देते रहेंगे, कब तक निर्दोष हमारे आम जनता पर जो है आतंकवादी अपने हत्याएं करते रहेंगे, उनके हमले करते रहेंगे, इसकी जो है कहीं ना कहीं जवाबदेही तय की जानी चाहिए। देखिए जम्मू कश्मीर दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर हमारा इतना बड़ा राज्य है, 20 जिले हैं इसके अंदर, 90 इसकी असेंबली सीट हैं, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर को हमारे माननीय उपराज्यपाल जी मात्र एक गैर स्थानीय एडवाइज़र सलाहकार के साथ पूरा जम्मू कश्मीर चला रहे हैं। कहीं ना कहीं पर अब हमें सोचना पड़ेगा कि शीर्ष स्तर पर हमें बदलाव करने होंगे, शीर्ष स्तर के पदों पर हमें बदलाव करने होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर आम जनता के मुद्दों पर भी देखें तो प्रशासन का रवैया, नौकरशाही का रवैया, अफसरशाही का रवैया पूरी तरह से उदासीन है। आम मुद्दों पर भी जनता और प्रशासन के बीच में, जनता और अफसरशाही के बीच में संवादहीनता जो है इस समय चरम पर है। हमारी मांग है दोनों तरफ पार्टियों की संयुक्त रूप से, एक तो जम्मू कश्मीर के तमाम जो शीर्ष पद हैं, जो महत्वपूर्ण पद हैं, उसमें स्थानीय कैडर को, जो जम्मू कश्मीर का कैडर है उसको जो है इंपॉर्टेंस दी जाए, उनको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, उनकी नियुक्ति सबसे पहले यहाँ पर की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बाहरी लोगों या बाहरी अफसरों की जो है हम उनको नहीं मानते कि वो भी अपने आप में पूरे मुकम्मल हैं, मगर कहीं ना कहीं भाषा की कमी, संस्कृति और आपस में संवाद की कमी के कारण वो पूरी तरह से जनता के साथ अपना विश्वास बनाने में कामयाब नहीं हो रहे। इसके साथ ही हम देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री जी से अपील करते हैं कि जम्मू लद्दाख की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी किसी सैन्य उच्च अधिकारी को जो है यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए। इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक सैनिक या पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी को सलाहकार के तौर पर भी नियुक्त किया जा सके, ताकि जम्मू कश्मीर के हालातों में कुछ बदलाव हो और जनता जैसा चाहती है उस तरह की अनुकूल परिस्थितियाँ बने।